नमस्कार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं समय उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौजूद हूँ। भारत में जितने भी धाम हैं, ये उनमें सबसे बड़ा ये धाम कहा जाता है और यहाँ पर हर साल हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये जो नदी बह रही है और लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर है वो इस समय 4 डिग्री सेल्सियस है। आने वाले समय में, अगले महीने में, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर में ये कपाट बंद हो जाते हैं, जिसके बाद 6 महीने यानी मार्च के बाद ये कपाट खुलते हैं। 6 महीने तक यहाँ के जो मजदूर हैं उन्हें किसी भी तरीके का काम नहीं मिलता है। वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं या जो मंदिर है बहुत ही ऊँचे हैं। बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं यहाँ पर यात्रा करने, और ऐसे में जो पिट्ठू होते हैं वो आज भी एक व्यक्ति अपने पीठ पर इंसान को बैठा कर इस मंदिर तक ले जाता है और उसके दर्शन करवाता है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इन मौसमों में जब कपाट बंद हो जाते हैं वो अपने काम कैसे करते हैं, रोजी रोटी कैसे करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बदलाव आ सका है या नहीं आ सका है, आइए देखते हैं। कहने को तो ये भगवान का धाम है, पर यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारे पीछे कुछ पिट्ठू बैठे हुए हैं और दर्शन करने लोग आते हैं, पर आप यहाँ पर अद्भुत नज़ारा ये देखेंगे कि एक आदमी अपने पीठ पर लाद कर एक आदमी को भगवान के द्वार तक ले जाता है। ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हाँ, ये पिट्ठू इसमें अब आदमी को लेना, मंदिर से लाना बस अड्डा। अच्छा, काम कर रहे बोल रहे? कब से काम कर रहे हैं? अभी साल से शुरू कर रहा हूँ। एक साल से? एक साल होने लग गया, समझो 6 महीना हो गया। 6 महीने समझो। अच्छा, एक साल हो गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए, जैसे ये आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गया सर। 8 साल? 8 साल से काम कर रहे हैं। ये जो पिट्ठू वाला काम करते हैं, तो इसमें जो कस्टमर आते हैं या जो आपके कस्टमर होते हैं जिनको पीठ में बैठा के ले जाते हैं, कभी पैसे को लेकर नोकझोंक होती है? नोकझोंक नहीं होती सर। नोकझोंक नहीं होती है? कितना फिक्स होता है? कोई कम देते, जो बात पूरा होते वो कोई कम देते, कोई ज्यादा देके जाते खुशी से, ऐसा होता है। तो ये जो आप कमाते हैं, दिन भर में कितने आदमी मिल जाते होंगे? दिन भर में कभी 2-3, सीजन में मिलता है 4-5 भी मिलता है। आजकल कभी मिलते ही नहीं है, किसी दिन 2-3 दिन खाली रहना पड़ता है ऐसा। अभी जैसा मुझे जानकारी है, मैंने पढ़ा है कि ये नवंबर से जो आने वाला महीना है, मार्च तक 6 महीने इसके कपाट बंद रहते हैं, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? नीचे जाते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूर दिहाड़ी करते हैं? दिहाड़ी। अच्छा, ये जो पिट्ठू वाला आप काम करते हैं, इससे आपकी घर की रोजी रोटी चल जाती है? पूरा नहीं होता है इससे, इसीलिए तो घर जा ना पाते। राशन कार्ड आपका बना है? नहीं बना है सर। राशन कार्ड नहीं है? और गैस कनेक्शन और ये प्रधान ऐसा कुछ नहीं है यार। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से तो घर दिए जा रहे हैं? देते तो यहाँ के लोगों के लिए देते, हम तो नेपाल। अच्छा, आप नेपाल के? आप नेपाल के हैं, तो एक तरीके से आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, तो आपका भी कार्ड वार्ड ऐसा कुछ कभी बनाने के लिए पहल हुई कि आप वहाँ से आते हैं? 2000 का यहाँ नगर पंचायत का बिल्ला काटता है, 2000 का 6 महीने का। बात हुई है, सत्यापन बनाना पड़ता है थाने का यहाँ का। आपके बच्चे हैं? हाँ सर है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या करते हैं? बस वो बैठे छोटे छोटे घर में, हम कमाते। स्कूल जाते हैं? स्कूल यहाँ के लोग नहीं डालते सर, अब नीचे जाएंगे तो। अपने बच्चों को कभी आपने सोचा कि पढ़ा के अधिकारी बनाऊंगा? वो तो सोच पूरा किसका हो रखा है सर, सोचने को तो हमने क्या क्या सोचा, पूरा ही नहीं हो रहा है। सोचते बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ा बनाना कौन है, पर पूरा नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग धाम में, मैं देख रहा था आप उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, तो चढ़ने में ज़्यादा समस्या होती है या उतरने में? उतरने में होता है सर, ज़्यादा भारी होगा तो उतरने में होता है, चढ़ने में आराम से चढ़ जाएगा, उतरने में फिसलने का डर रहता ना पीछे। कभी दुर्घटना हुई आप लोगों के साथ, कभी गिर गए हों? ऐसा अभी तक नहीं है, इसीलिए तो संभाल के लेना पड़ता है, अभी तक नहीं। तो देखा कि यहाँ पर जो मेहनत है, जो पहाड़ की ज़िंदगी है, वो पहले ही मेहनत भरी होती है और उसमें जीना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ की ठंड, यहाँ का खाना महंगा है, उस हिसाब से यहाँ पर ये दिहाड़ी मजदूरी कर इंसान को ढोकर ये किसी तरह दिन में 3-4
व्यक्तियों से पैसा कमाते हैं, और जो 6 महीने होते हैं नवंबर से मार्च तक, उनमें इनको 1 पैसे की भी आमदनी नहीं हो पाती है। इसके लिए वो निचले क्षेत्रों में जाते हैं और मजदूरी करते हैं और किसी तरह पैसा कमाकर अपने घर तक पहुंचाते हैं।